देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने एक्शन प्लान जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इससे पहले इतना बड़ा टारगेट कभी नहीं रखा गया था। पिछले साल 433.44 लाख टन गेहूँ खरीदा गया था, तब इसके MSP से 49,891 किसानों को लाभ मिला था। इन किसानों को MSP के रूप में लगभग 86,000 करोड़ रुपए मिले थे। फिलहाल पंजाब के लिए एक बार फिर सबसे ज़्यादा 132 लाख मीट्रिक टन का कोटा अलॉट किया गया है। यहां पर 2021-22 में भी 132.22 लाख टन की खरीद हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश के लिए 129 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सबसे कम बता दें 0.18 लाख टन का कोटा दिल्ली के लिए तय किया गया है। इस बार रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की वैल्यू बढ़ गई है, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट की स्थितियां पैदा हो रही हैं। वहीं अधिकांश राज्यों में 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी, 15 जून तक चलेगी। रविवार को हरियाणा सरकार ने एक बयान जारी करके बताया कि 1 अप्रैल से गेहूँ की खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा चना व जौ की खरीद भी MSP पर की जाएगी, जबकि सरसों की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में गेहूं, चने, जौ व सरसों की खरीद MSP पर करने के लिए मंडियों व खरीद केंद्र खोले गए हैं। संबंधित विभागों को मंडियों में सभी खरीद प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खरीद प्रक्रिया के दौरान मंडियों में आने वाले किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें, सरकार द्वारा इस बार के रबी सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हरियाणा में गेहूं की खरीद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी। चने की खरीद हैफेड, सरसों की खरीद हैफेड व हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और जौ की खरीद भारतीय खाद्य विभाग हैफेड तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। वहीं MP में भी गेहूं खरीद की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि गेहूं खरीद के लिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। रबी सीजन 2022-23 में रजिस्ट्रेशन के नए प्रावधानों को ध्यान में रखकर गेहूं की खरीद होगी। वहीं खरीद केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, साथ ही पंजीकरण में नॉमिनी की भी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।